अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में बेसिकली जो है अल्कोहल को जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके विड्रॉल जो है आजकल बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। दिन ब दिन जो है विड्रॉल की जो सवेरिटी है उसमें चेंजेस आ रही। शराब, कच्ची शराब, पक्की शराब, बियर, अल्कोहल ड्रिंकिंग, बेसिकली शराब के जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बहुत सारे लोग जो है शराब इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं कि बस हर पर्पस के लिए, हर लिक्विड के लिए शराब इस्तेमाल करते हैं। पानी भी पीना हो तो शराब जो है वो पीते हैं कि यहाँ तक जो है वो शराब इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं खाने के साथ भी शराब हो, पानी की जगह भी शराब हो और बस शराब हो, बस और कुछ ना। तो इसके जो विड्रॉल हैं आजकल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं और देखा भी गया और इवन के कुछ केसेस सामने भी आते हैं कि जो है शराब पीने के बाद जो है बहुत सारे लोग एक्सपायर हो जाते हैं। जो सबसे खतरनाक आजकल जो है विड्रॉल जो है वो शराब इस्तेमाल करने वालों को आ रहे हैं या कि छोड़ने के बाद अलामतें आती हैं, कुछ यूं हैं बेसिकली कि पेशेंट शराब छोड़ता है, शराब छोड़ने के बाद जो है डिलीरियम, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजनल जो है उस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है जिसमें जो उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या उससे हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, क्या जो है वो करना चाहता है और क्या हो जाता है उसे नहीं पता। बहुत सारे जो है लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चले जाते हैं आजकल। शराब इस कदर जो है खतरनाक होती जा रही है, आई डोंट नो कि क्या रीज़न है क्या नहीं है, लेकिन जो है बहुत सारी वजूहात है, कोई स्पेसिफाई नहीं है। इसके बाद जो है दूसरी जो सिम्टम है वो है ट्रेमरिंग, बॉडी जो है शिवरिंग करना शुरू कर देती है, इवन के हाथ जो है शुरू होते हैं शिवरिंग करना, किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ नहीं पाते, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो है मैंने ये बुक पकड़ी हुई है, बुक बार बार ऐसे 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 होती रहेगी, मोबाइल पकड़ा हुआ या कोई भी चीज़ पकड़ी होगी हाथ शिवरिंग करना शुरू कर देंगे, इवन के बाद दफ़ा पूरी बॉडी जो है शिवरिंग करना शुरू कर देती है। ट्रेमरिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, हालांकि आज से अगर 6-7 साल पहले की बात करें तो जो है बहुत रेयर होता था कि जो है किसी को ट्रेमर्स हो, लेकिन आजकल जो है ये सिम्टम कॉमन होती जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और जो है कहते हैं भाई हमने तो बाल्टियों की बाल्टियाँ पीनी है, जब उनके लिवर के टेस्ट किए जाते हैं तो लिवर जो है प्रॉब्लमेटिक होता है और डॉक्टर्स कहते हैं आपका जो लिवर है इतने % ख़राब हो चुका है और जो है अब इतना रह गया, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें तो शराब को छोड़ना पड़ेगा, वरना आपकी जो ज़िंदगी है वो मौत की तरफ जा रही है। इसके बाद जो है क्योंकि ये लोग जो है शराब के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर जो स्टमिक होता है, ज़्यादा सी बात है, बॉडी का हर ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो फंक्शनिंग जो है वो अदा कर रहा होता है, उसका एक रोल होता है, वो अपना रोल छोड़ देता है, वो डिस्टर्ब रहता है, नॉर्मल डाइट को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से होता ये है कि इनकी भूख ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, कोई चीज़ जो है हजम नहीं होती और इनका वेट जो है कम होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो जाता है, आँखें रेडिश होना शुरू हो जाती हैं और हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं और बॉडी के इस एरियाज के अंदर, ये एरिया या ऐसी जॉइंट वाली जो है बॉडी का एरिया या जहाँ मूवमेंट जिसने करनी हो वहाँ इन्हें दर्दें रहती हैं, थोड़ा सा चलती हैं सांस फूलना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जो शराब छोड़ते हैं उनके अंदर बेचैनी, घबराहट बहुत ज़्यादा जो है जल्दी पैदा हो जाती है और वो उस चीज़ से निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से मिजाज में तलखी, गुस्सा और जो है बाज़ दफ़ा जो है शराब इस्तेमाल करने वालों को साइकोसिस भी हो जाता है कि वो लो रियलिटी से हटकर जो है अजीबोगरीब जो है एक फैंटेसी लाइफ में चले जाते, उसे नहीं पता वो कौन सी बातें कर रहे हैं, वो शक की निगाह से देखना शुरू कर देते, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, इवन के बाज़ दफ़ा जो है अपनी औकात से बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजनल माइंड में नहीं, साइकोटिक जो है बिहेवियर के अंदर, कि उस मिजाज में, उस इंसान के मिजाज के अंदर शक पैदा हो जाते हैं। तो शराब जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसके लिए जो है भूख टोटली डिस्टर्ब हो जाती है छोड़ने के बाद और जो है नींद ना होने के बराबर होती है क्योंकि बेचैनी रहती है, तलखी मची रहती है, बॉडी जो है वर्क नहीं कर रही, लिवर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा और जो है अजीब सी कैफियत होती है।
तो शराब पीने वाला जो है अक्सर कहता है कि भाई मैं घर में रहकर जो है छोड़ूंगा, ट्राई करूंगा और जो है मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन वो कई बार एक्सपेरिमेंट करता है लेकिन फेल हो जाता है। अब फेल होने के पीछे जो है कई वजूहात हैं, लेकिन जो मेजर वजूहात है वो ये है कि ना तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है ना ही वो जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। हाँ, अगर भूल भुला कर जो है साइकेट्रिस्ट के पास चला ही गया कि अब जो है इसकी अलामतें कंट्रोल नहीं हो रही, या फैमिली वाले खींच खांच कर जो है ले ही जाए तो दवाइयों से जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो विड्रॉल सिम्टम किसी हद तक जो है मैनेज हो जाती है। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, वो जो है मेडिसिन से जल्दी क्लियर नहीं होती, उनके लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट वो तो सबसे बड़े होते हैं, आप खुद और फैमिली में जो है हर बंदा जो है वो कहता है मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छी बात कर लेता हूँ, दो लाइनें कहीं अच्छी जो है वो पोस्ट को स्क्रॉल करते हुए पढ़ ले तो वो समझता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट बन गया हूँ, तो मैं जो है खुद ही इसका घर में इलाज कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, पेशेंट का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। पेशेंट अपनी जो है जिंदगी में जो है शराब से जो है जान छुड़वाना चाहता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है वो फैमिली वालों से जान छुड़वाना चाहता है, ये किसी तरह जो है मुझसे इधर उधर जाए और मैं जो है शराब की तरफ जाऊं, कि इस कदर जो है शराब उनकी जो है सोचने समझने की सलाहियत को मुतासर कर देती है। इसलिए सोचने समझने की सलाहियत को जो है बेहतर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है, ताकि जो है आप बेहतर जो है ज़िंदगी गुजार सकें शराब को छोड़ने के बाद। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है आजकल जो है, हर जो सेलर है वो डिफरेंट तरह के जो है ब्रांड्स को खुद से जो है वो जनरेट कर रहा है, खुद से केमिकल के जो है कंपोजिशन को जो है वो छेड़छाड़ कर रहा है, और जो है लोकल और देसी टाइप की जो शराब है अक्सर हम सुनने में आता है कि एक पेशेंट ने इस्तेमाल की और वो शराब कच्ची थी, या वो उसको जो है जाकर लड़ गई और जो है जिसकी वजह से उसकी मौत होगी, बहुत सारे पेशेंट शराब पीने से एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो ये ना हो कि कहीं आप जो है शराब इस्तेमाल कर रहे हो और अल्लाह ना करे जो है वो शराब आपको लड़ दे। जाहिर सी बात है कुरान पाक में कहा गया है क्लियर कट कि शराब हराम है, तो अगर आप पियेंगे तो फिर जो है खुद आपके लिए एक सवालिया निशान है कि फिर आप क्या हैं। जो चीज आपके लिए हलाल ही नहीं है और आप जो है बींग अ मुस्लिम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो एक सवालिया निशान आपके लिए पैदा हो गया। बेहतर ये कि इसको छोड़ कर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जाए, ताकि जो है आप भी खुश हो, फैमिली वाले भी खुश हो, और आप जो है जिस मज़हब से आपका ताल्लुक है आप जो है बड़े फख्र से कह सकें मैं जो है अपने मज़हब की पासदारी कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का जो है मसला हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे जो है इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।